संगीत से लगाव, बातें करने का शौक और हाजिर दिमागी, यह है खासियत एक रेडियो जॉकी की। जितना आसान नजर आता है उतना ही मुश्किल है ये प्रोफेशन, लेकिन इस क्षेत्र की ओर आज युवा काफी आकर्षित हो रहे हैं। ये आवाज वही है जिसे सुनकर लोग मग्न हो जाते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, दुकानदार या स्टूडेंट, सभी इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये जादू है रेडियो का, जिसने दूर संचार प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। बनने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ शुरू होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि रेडियो एंकर बनना कला का एक रूप है और रेडियो एंकर बनने के लिए अपने व्यक्तित्व को निखारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम जो मेथडोलॉजी या जो प्रक्रिया यूज़ करते हैं लर्निंग की, उसका जो मूल आधार है वो है कि टू बी अ बेटर रेडियो एंकर यू नीड टू बी अ बेटर पर्सन। आप एक बेहतर इंसान बने और एक टू बी अ बेटर स्पीकर। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो एकदम प्रैक्टिकल रहती है और पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश में हम लगे रहते हैं, और उसके साथ में एक बैलेंस रहता है कि आपको थियोरी भी समझाई जाए, इंडस्ट्री के बारे में बताया जाए, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट फॉर्म। जल्द ही देश के 40 शहरों में निजी क्षेत्र की कंपनियां FM सेवा के जरिए अपने कार्यक्रमों के प्रसारण शुरू करेंगी। अगर आपकी संगीत में गहरी दिलचस्पी है और आपके पास बातचीत की कला और अच्छी आवाज जैसे गुण हैं, तो आप एक सफल रेडियो जॉकी बन सकते हैं। इसके अलावा टीवी में वॉइस ओवर, एक्टिंग और लाइव शो होस्ट करके आप एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रोग्राम्स हैं, हमारा एक डिवीजन है जिसका नाम है द रेडियो स्कूल, जो हमने रिसेंटली शुरू किया है, जिसमें बाकायदा सिर्फ रेडियो के ही प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एक दो महीने का, ढाई महीने का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो एंकरिंग स्किल्स, और एक प्रोग्राम है एक साल का जो हम अगले महीने लॉन्च करेंगे, उसका नाम है डिप्लोमा इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। जो दो महीने का प्रोग्राम है वो सिर्फ रेडियो एंकरिंग पर जोर देता है, और जो एक साल का प्रोग्राम है उसमें आप रेडियो के सभी डिविजन्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ताकि वो प्रोग्राम करने के बाद आदमी एक रेडियो स्टेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकता है। क्रिएटिविटी के साथ आपकी लैंग्वेज स्किल्स, आपके प्रेजेंटेशन, आपका डिक्शन, एक सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट के आप एक ही भाषा पे कॉन्सेंट्रेट करो या एक ही गाने के टाइप पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो एज एन इंडिविजुअल डेफिनेटली ग्रोथ तो है। फीस स्ट्रक्चर जो हमारे दो महीने का प्रोग्राम है उसकी फीस कुछ 20,000 रुपये है, और जो साल भर का प्रोग्राम है उसकी फीस कुछ 50,000 रुपये है। और रेडियो जॉकी होना मुझे लगता है शहर की सबसे प्यारी चीज़ है, और जो लोग म्यूज़िक के ज़रिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने डेली लाइफ की चीज़ें, वो सिर्फ एक रेडियो जॉकी को मालूम होता है। तो यू गॉट अ लॉट ऑफ इनसाइट इनटू द सिटी। मुझे जहाँ तक लगता है यू हैव टू बी विटी, आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है काफ़ी अच्छा, नॉर्मल सी एक बात है, उसके अंदर आप अगर फन एंगल डालें और लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करें, दैट्स द बेस्ट। रेडियो जॉकी की क्रिएटिविटी को पूरा प्रोत्साहन मिलता है और प्रसिद्धि की कोई सीमा नहीं होती। इस करियर को अपनाकर आप अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व को निखार सकते हैं।